इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी ने आरएस एग्जाम 2024 को लेकर अभी अभी एक नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरएस एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सुधि पत्र संख्या 11/2024-25 राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, आज की डेट 16 सितंबर 2024 की डेट में ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के कुल 733, राज्य सेवाएं 346 और अधीनस्थ सेवाएं 387 पदों हेतु विज्ञापन संख्या 13 दिनांक 2 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। यानी कि जैसा कि आप सबको मालूम है आरएएस भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन है वो 2 सितंबर को जारी किया गया था, जिसमें टोटल आपके 733 पद थे, 733 में राज्य सेवाओं के लिए 346 पद थे और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 पद थे। आगे लिखा हुआ है, उक्त विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित विशेष योग्यजन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक क्षतिपूर्वक समय उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में विशेष निर्देश के बिंदु संख्या 5 का अंतिम भाग और बिंदु संख्या 6 टंकित होने से छूट गया है। यानी कि जो विज्ञापन जारी हुआ था आपके 2 सितंबर को, उसमें आपके पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित विशेष योग्यजन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के बारे में जो लिखा हुआ पॉइंट है, उसमें पॉइंट नंबर 5 का अंतिम भाग और पॉइंट नंबर 6 तो पूरा ही छूट गया है, टंकित होने से, टाइप होने से छूट गया है। अतः यह बिंदु संख्या 5 अधोलिखित अनुसार है और उसके निरंतर में बिंदु संख्या 6 को विज्ञापन में निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अभी जो मैं आपको 5 नंबर और 6 नंबर पॉइंट बताऊंगा, ये आप विज्ञापन में ऐड किया हुआ ही समझो। जैसे कि विज्ञापन में आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये अधीनस्थ बोर्ड सॉरी आरपीएससी द्वारा जारी किया गया आरएस भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन है उसका संख्या पेज नंबर आप देख सकते हैं 4, विशेष योग्यजन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो श्रुत लेखक है उसमें आप 5 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ कुछ टाइप रहना रह गया है और 6 नंबर पॉइंट तो पूरा ही टाइप रहना रह गया है। तो इसको लेकर इन्होंने यह ऐड कर दिया है कि जो 5 नंबर पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ था, द राइट्स ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 2 के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगजनता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुत लेखक की सुविधा या फिर क्षतिपूर्वक समय प्रदान किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा और क्षतिपूर्वक समय प्राप्त करने के लिए परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से संपर्क करना होगा, अन्यथा श्रुत लेखक की सुविधा समय देनी होगा। यानी कि जिन्हें श्रुत लेखक की सुविधा चाहिए वो परीक्षा दिनांक से 2 दिन पहले उन्हें आयोग से कॉन्टैक्ट करना होगा प्रमाण पत्रों के साथ, तभी आपको इसकी सुविधा मिल पाएगी। 6 नंबर पॉइंट जो कि विज्ञप्ति में ऐड भी नहीं था, उसमें ये लिखा हुआ है कि श्रुत लेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों और प्रमाण पत्र का अवलोकन आयोग की वेबसाइट, आप जब आरपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन का एक पॉइंट देखने को मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इम्पोर्टेंट डाउनलोड आएगा, फिर उस पर क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन फॉर अवेलिंग सर्विस ऑफ स्क्राइब, इसके अंतर्गत आपको लिंक पर क्लिक करना होगा। यानी कि इंस्ट्रक्शन होंगे यहाँ आपको श्रुत लेखक के लिए। तो यहाँ लिखा वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुत लेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही भाग माना जाएगा। यानी कि जो वेबसाइट पर आरपीएससी की वेबसाइट पर श्रुत लेखक को लेकर जो भी विज्ञापन में लिखा हुआ है उसे आप आरएस के विज्ञापन में ही मानकर चलो। आगे इन्होंने लिखा है, इसी विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 6 पर अंकित प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिंदु संख्या 7 के नीचे अंकित बिंदु संख्या 8 2 बार मुद्रित हो गया है, जिसमें से प्रथम बार मुद्रित बिंदु संख्या 8 को विलोपित किया जाता है। यानी कि इसी विज्ञप्ति में, जैसे कि अभी पृष्ठ संख्या 4 की बात की थी, अब मैं बात करूंगा पृष्ठ संख्या 6। इसमें आप देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट जो कि भूतपूर्व श्रेणी के संबंध में प्रावधान है, 2 बार रिपीट हो चुका है, यहाँ पर भी रिपीट है, यहाँ पर भी रिपीट है। तो इन्होंने जो पहले वाला लिखा हुआ है इसको विलोपित माना है, इसको ही सही माने, ऐसा इनका कहना है। फिर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी कि बाकी जो विज्ञापन में है वो वैसा का वैसा रहेगा, बस ये 2-3 चीज़ें जो ऐड करनी थी रह गई है उनके बारे में इन्होंने बताया। जैसे कि आप देख सकते हो पृष्ठ संख्या 4 में
आपके जो श्रुत लेखक है उसके पॉइंट नंबर 5 आधा रह गया था, पॉइंट नंबर 6 तो पूरा ही रह गया था, वो इन्होंने बता दिया। और प्रश्न संख्या 6 में इन्होंने बताया कि पॉइंट नंबर 8 है वो 2 बार टाइप हो चुका है, तो उसे आप पहली वाले को ही विलोपित किया जाता है, बाकी जो शेष शर्तें हैं वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये थी आरपीएससी द्वारा अभी अभी आरएएस एग्जाम को लेकर जो नोटिस जारी किया गया था उसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरएएस एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलेगी।